वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो दो टॉपिक छोटे छोटे थे और वो रह गए, और मैं इकोलॉजिकल नीच पे बना रहा था तो मुझे ये दिखा और मुझे याद आया कि जो है ये तो छूट ही गया। खैर, इसके लिए मैं सॉरी। इकोटोन एज इफेक्ट, इकोटोन एज इफेक्ट और इको टाइप का ऊपर वीडियो आई लिंक में आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। इको फाइन और इको क्लाइन आज हम लोग पढ़ेंगे। ये मैं पढ़ते पढ़ते मुझे एक नया टर्म मिल गया तो मैं उस पर थोड़ा सा सर्च किया, और सर्च करने के बाद से बहुत मज़ेदार जानकारी मिली। तो चलिए शुरू हो जाते हैं फिर। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। इको क्लाइन क्या है? क्लाइन मतलब कि आप समझ लीजिए कि इंक्लिनेशन की बात हो रही है, कहीं ढलान होगा, शब्द में ही उत्तर होते हैं। तो एक ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे क्लाइन को डील किया जाता है। डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्लाइन में क्या है कि हम किसी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को मेजरमेंट का ग्रेडियंट मान लेते हैं और उस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो ये चीज़ इको क्लाइन में आती है। क्लाइन, क्लाइन का मतलब ही होता है कैरेक्टरिस्टिक विथ रेफरेंस टू एनवायरनमेंट और ज्योग्राफिकल एरिया। जूलियन हेक्सल ने इसको 1938 में समझाया था। आप इसको ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि किसी पर्टिकुलर इलाके में, किसी पर्टिकुलर इलाके में कोई ऐसी स्पेसीज पाई जाए जिसके कारण वो इलाका जाना जाए। जैसे कहीं की जलेबी मशहूर होती है, कहीं का कुछ मशहूर होता है, हैं, बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व मशहूर है, समझ रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर स्पेसीज के कैरेक्टरिस्टिक के कारण वो ज्योग्राफिकल एरिया फेमस रहे, उसकी स्टडी अगर हमको करनी है, एक मेजरमेंट लेना है, ग्रेडियंट लेना है, तो वो जो स्टडी हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक का वो क्लाइन में आएगा, इको क्लाइन में आएगा। इको क्लाइन का कंसेप्ट जो होता है वो कंसेप्ट के आधार पे कई तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि कोई स्पेसीज का पीएच और सैलिनिटी ग्रेडियंट पे, किसी स्पेसीज का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे या केमिकल फैक्टर ऑफ लाइफ पे, मतलब कि उसका इंटरेक्शन फिजिको केमिकल इन्वायरमेंट से, या किसी स्पेसीज का जो है प्रेजेंस और एब्सेंस पे, या जो है आपका उसके पानी में डेप्थ पे, जैसे कई सारी मछलियां अलग अलग डेप्थ पे पाई जाती हैं, तो वो उनका जो है उनको वो हेलो क्लाइन से करते हैं। इको क्लाइन में सब आ जाता है, हेलो क्लाइन भी आ जाता है। तो सैलिनिटी के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे भी स्पीसीज वैरायटीज जो है वो क्या होती हैं, वो डिफरेंशिएट और डिफरेंट जगहों पे पाई जाती हैं। तो इसको हम इको क्लाइन के अंतर्गत देखते हैं। बेसिकली एक तरह का जो है ये होमोजेनाइजिंग इफेक्ट है ऑन पॉपुलेशन रिजल्टिंग जेनेटिक एडमिक्स और ब्लरिंग और एनी डिस्टिंक्ट जेनेटिक बाउंड्री, तो वो इको क्लाइन के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फॉर स्टडी ऑफ मेजरेबल ग्रेडियंट इन अ सिंगल कैरेक्टर, इन अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ अ स्पेसीज across the geographical area, character का measurement, आप ये कह सकते हैं कि ecology का ये character certificate है। अब eco line जो है आपका, उसको बताया गया कि zone of gradual but continuous change from one ecosystem to another when there is no sharp boundary between the two in term of species composition। ध्यान दीजिएगा, बाउंड्री तो होगी परंतु वह कंडीशन
जिसमें कोई शार्प बाउंड्री क्लियर कट ना हो और दोनों ही इकोसिस्टम के स्पेसीज आपस में एक साथ इंटरलिंक होकर रह रहे हो। इकोक्लाइन जो है वो इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट को क्रॉस कर जाता है, मतलब कोई एबायोटिक चेंज हो रहा है एल्टीट्यूड टेम्परेचर में तो थर्मोक्लाइन हो गया, सैलिनिटी में हेलोक्लाइन हो गया, डेप्थ गहराई के कारण भी उसमें स्पेसीज जो होता है वो सर्वाइव कर जाए। किसी इकोसिस्टम, मान लीजिए दो इकोसिस्टम है, ठीक है, दो इकोसिस्टम में अगर कोई क्लाइमेटिक पैटर्न में चेंज आता है दोनों में ही, या एबायोटिक फैक्टर कोई बदल जाए उसका, कोई भी एबायोटिक फैक्टर बदल जाए, तो क्या होगा कि इकोक्लाइन के जो इकोक्लाइन बनेगा उसमें वही स्पीसीज रहेंगे जो दोनों ही कंडीशन को सर्वाइव कर जाए, समझ रहे हैं। ये भी एक तरीके का ट्रेट है, स्पेसिएशन है, और ये जो वो स्पेसीज सर्वाइव कर जाएंगे उसी स्पेसीज के आधार पे, उसी स्पेसीज के कैरेक्टरिस्टिक पे वो इलाका जाना जाएगा। मैं एग्जांपल दिया था जैसे पोलर बियर पोल्स पे पाए जाते हैं, इम्परर पेंगुइन पोल पे पाए जाते हैं, ध्रुवों पाए जाते हैं, और ये उनका ब्रीडिंग नेस्ट और हैबिटेट है, और यहाँ पर कोई और भी स्पीसीज अगर एग्जिस्ट कर रहा है जो उनके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, नाइदर देव एक दूसरे के ऊपर प्रे प्रेडेटर वाला नहीं है, वो एक साथ एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्टेंस की बात है, क्योंकि हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक के साथ मेजर करना है, और धीरे धीरे कुछ समय बाद एक इन दोनों में से कोई एक स्पीसीज ऑटोमेटिकली विलुप्त हो जाए, अपने आप खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो नष्ट हो जाने के कारण जो स्पीसीज सर्वाइव करेगा उसी के आधार पर उस इलाके को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसी के उस पर वो इलाका जाना जाएगा। अरे जैसे रामगढ़ जो है वो गब्बर सिंह के नाम से जाना जाता था, ठीक, तो गब्बर सिंह इज ए इकोक्लाइन, नाउ यू अंडरस्टैंड बेटर, गब्बर सिंह मतलब इकोक्लाइन, इकोक्लाइन मतलब कि वह स्पीसीज जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इलाका जाना जाए। अब ये इकोक्लाइन बनेगा कहाँ, अब ये फोटो आप देखिए, दो कम्युनिटी है, वही जो मैं अभी बता रहा हूँ, दो कम्युनिटी है, इकोटोन है, पर ये दो कम्युनिटी का एक ट्रांजिशन जोन जिसमें कि दोनों स्पीसीज फुल फ्लेज में ग्रो कर जाए, फुल फ्लेज में ग्रो कर जाए, तो वो इकोक्लाइन स्पीसीज कहलाते हैं, इकोक्लाइन स्पीसीज में वो आते हैं, उन्हीं को इकोक्लाइन कहते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ इकोक्लाइन क्या है, देखिए क्लाइन और इकोक्लाइन, इकोक्लाइन कहने तो इकोलॉजी का हो गया, क्लाइन कहने तो क्लाइन बायोलॉजी है पूरा, दोनों एक ही चीज है, परस्पर एक दूसरे का सिनोनिम्स है, तो इसके लिए परेशान मत होइए, बार बार मैं इकोक्लाइन कह रहा हूँ। एक बात मैं यहाँ पे फिर बता दूँ, कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि जो है मुझे डायरेक्ट ना करके दूसरों को बताते हैं, दूसरों से कहते हैं कि सर से ज़रा ये क्वेश्चन पूछो, ए भाई मेरे सर पे सींग नहीं लगा है, आप मेरे से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, है मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का क्यूरी होगा तो बिना संकोच आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक। देखो क्या भाई, कोई ये जो मेरा वीडियो है ना, ये भले से मेरे डिपार्टमेंट का चैनल है परंतु ये किसी स्टूडेंट के लिए बायस्ड नहीं है, वो भारत नहीं वो दुनिया का कोई भी स्टूडेंट होगा जो मेरी भाषा को समझ रहा होगा तो वो भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं बंधा हुआ हूँ इसी डिपार्टमेंट के ही बच्चे पढ़ेंगे, आई एम नॉट द्रोण, ठीक है, गुरु द्रोण बाइंड अप थे, मैं नहीं हूँ। कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर ये वीडियो देख रहा है, कोई क्यूरी होती है तो बेटा आप बेधड़क पूछिए हमसे, कोई बैंडेशन नहीं है। अब डेवलपमेंट ऑफ क्लाइन क्या है, क्लाइन कैसे डेवलप, तो दो बातें क्लाइन के डेवलपमेंट के लिए बताई गई। अब क्लाइन क्या है, इकोटोन के बाद से कोई ट्रांजिशन जोन जिसमें कि दो कम्युनिटी के स्पीसीज फुलफिल होकर ग्रो कर जाए, फुलफिल ग्रो करें, ग्रोथ करें, वो इकोक्लाइन कहलाता है, वही इकोक्लाइन में आता है।
अब इकोक्लाइन में भी कई सारे बाउंड्रीज हैं, आप अभी अभी आके देखिएगा, ये बड़ा मज़ेदार कहानी मिल गया हमको। तो मैं क्या नाम है, मेरा एक नोट्स है फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी का फॉर यूजीसी नेट यूनिट 3, और इसमें जो है मैं लिखा हूँ नीच को, तो नीच को मैं पढ़ रहा था स्पेशियल नीच के बारे में, और वहीं पर हमको लगा कि कोई स्पीसीज डिफरेंशिएशन का कुछ और भी होना चाहिए। तो इवोल्यूशनरी कंसेप्ट को जब हम पढ़े तो उसमें हमको ये टर्मिनोलॉजी मिली, तो मैंने कहा कि लाओ भाई इसको भी बच्चों को बताया जाए, जानना चाहिए, जानकारी की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जितना हो सके आप जानो। तो अब इसमें दो तरीके का कंडीशन बनता है, इकोक्लाइन जो ये है ये आप देख रहे हैं गोल सा, ये पेट जो है हाथी का, यही इकोक्लाइन है, और यही इकोक्लाइन को बनने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, प्राइमरी कांटेक्ट या सेकेंडरी इंट्रोगेशन। प्राइमरी कांटेक्ट मतलब कि स्पेसीज या तो इकोटोन से पहले ही कांटेक्ट में आए, मतलब समझिए, चले थोड़ा सा कहानी को इसको और मैं बताऊं, या तो ये इकोटोन के पहले बन जाए या तो इकोटोन के आगे बन जाए, समझ गए? तो यहां बना तो प्राइमरी, सेकेंडरी बना सेकेंडरी, ठीक वही चीज मैं यहां पे डिस्क्राइब कर रहा हूं, या तो वो प्राइमरी डिफरेंशिएशन आइदर सेकेंडरी कांटेक्ट। अब प्राइमरी डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्या कहानी है, क्या कंडीशन है? तो हाइड्रोजेंसिटी इन एनवायरमेंटल कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी डिफरेंशिएशन। ये जो आप देख रहे हैं प्राइमरी डिफरेंशिएशन और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कॉन्टैक्ट और सेकेंडरी डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो ये ऊपर दिखा है तो चकराइएगा नहीं, एक ही चीज को कई नाम से जाना जाता है, वही मैं कह रहा हूँ, इन्वायरमेंट साइंस में कोई चीज छोटी नहीं है, वो आप एक चीज को उठाएंगे ना दूब की तरह, दूब घास देखे ना, एक तरफ उखड़ाएंगे तो सब उखड़ता चला जाएगा, तो उसी तरह सारा इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो अब ये डिफरेंशिएशन क्या है, हेट्रोजेंसिटी इन एनवायरमेंटल कंडीशन जनरेटेड बाय स्पेशियल, स्पेशियल क्या है, लैंड एरिया टोपोग्राफी के आधार पे, टीरेन के आधार पे, टीरेन मतलब रेलगाड़ी नहीं, टीरेन मतलब टोपोग्राफी का ही एक शब्द है जिसका इस्तेमाल रिमोट सेंसिंग में होता है। स्पेसीज रेंजेस फ्रीक्वेंटली स्पैन एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, मतलब अब इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट क्या हो गया, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, डे लाइट, इकोलॉजिकल फैक्टर, वही तो है, कुछ नया थोड़ी ना है, बस उसको उठा के हम यहाँ पर रख के पढ़ रहे हैं भाई, किताब ही है। चाहे आप टेबल पे पढ़िए चाहे आप उस पर पढ़िए, तो किताब तो किताब ही रहेगी ना, कुछ चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, वही चीज। अब देखिए इसको ध्यान समझिएगा, प्राइमरी डिफरेंशिएशन स्पेशियल हेट्रोजेंसिटी इन एनवायरनमेंट के कारण क्रिएट होता है, प्राइमरी डिफरेंशिएशन हेट्रोजेंसिटी ऑफ स्पेशियल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, मतलब कई तरीके के ह्यूमिडिटी राइज हो, रेनफॉल हो, टेम्परेचर हो, डे लाइट लेंथ घट बढ़ रहा हो, तो वो जो डिफरेंशिएशन होगा वो प्राइमरी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये फेवर करता है आइदर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक कंडीशन दोनों को। सेकेंडरी में आइए, सेकेंडरी एक मैकेनिज्म है जो कि दो फॉर्मल आइसोलेटेड पॉपुलेशन का डिफरेंशिएशन बताता है, क्योंकि इको के बाद हो रहा है, कैसे, ये देखिए सेकेंडरी इकोटोन के उधर होगा और प्राइमरी इधर, इस तरह का डिफरेंशिएशन। अब सेकेंडरी में क्या होगा, इकोटोन तो हो बन चुका है, उसमें बनने के बाद फिर से फैलाओ, फिर से स्पीसीज आपस में ग्रोथ की एक पर्टिकुलर जगह पे। देखिए इकोलॉजी में कोई चीज़ एकदम नहीं क्लियर कट कह दें कि ये बाउंड्री है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इधर चाइना इधर तिब्बत, या हम DMZ डायमंड जो डिफेंस मिलिट्री जोन जो आपका सबसे कठोर है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, कोई डिफिनेट बॉर्डर नहीं है। इकोलॉजी अपना रास्ता खुद ढूंढती है जैसे जीवन चाहती है और जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट होती है,
क्योंकि जीवन तो हर जगह सर्वाइव करेगा ना, एदर इट इज़ हाइड्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ कंडीशन ले ले, चाहे आप हाइड्रोफिटिक कंडीशन ले ले चाहे जीरोफिटिक कंडीशन ले ले, सर्वाइव तो उसको करना है, लाइफ अपनी सर्वाइबिलिटी ढूंढेगा। भाई छिपकली घर में भी होती है, छिपकली रेगिस्तान में भी पाई जाती है और जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी पाई जाती है, तो जीवन तो रास्ता ढूंढेगा। तो अब दो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है इन डिफरेंट एलोपैथीज। एलोपैथीज मतलब क्या होता है, सुन लीजिए, स्पेसीज और पॉपुलेशन जो आपस में ओवरलैप करती हुई उनकी ज्योग्राफिकल एरिया ना हो, मतलब कि दो अलग अलग पॉपुलेशन जिनका ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो ओवरलैप ना कर रहा हो, डिफरेंट हो, क्रिएट एन इंटरमीडिएट जोन, एक इंटरमीडिएट जोन बनाते हैं जहां पर वो दोनों एरियाज जो है आपका पॉपुलेशन मिलते हैं, उसको हम सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट सिनेरियो में रखते हैं। और पहले में क्या है, हेट्रोजेनिसिटी इन एनवायरमेंटल कंडीशन, और दूसरे में क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया ना मिल रहे हो, सिंपल। अब कितने प्रकार के क्लाइंट्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस क्लाइंट, अभी फिगर है उसका, परेशान मत होइए। कंटिन्यूअस क्लाइम क्या है, सभी पॉपुलेशन एक साथ जा रहे हैं, सरलता से जीवन जी रहे हैं, इंटरब्रीडिंग चल रही है। इंटरब्रीडिंग से याद आया, एक बच्चे का फोन आया था मेरे पास, तो उस बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर प्रोडक्टिविटी के वीडियो में आप जरा हमको एक चीज़ समझा दीजिए कि कौन सा जो है प्रोडक्टिविटी किसमें का आंसर आता है क्वेश्चन, तो वो कैसे होगा टेरेस्ट्रियल का और एक्वाटिक का। तो बेटा आप जान लो, टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की होती हैं। देखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही क्लासिफाई होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और एक्वाटिक की बात करें अगर, तो एस्चुरीज की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो होप कि आंसर आपको मिल गया होगा, तो आगे चलते हैं। अब कंटिन्यूअस क्लाइन, कंटिन्यूअस क्लाइन मतलब कि बस जिए जा रहे हैं, सभी स्पेसीज जीन फ्लो एक ही रेंज में एक ही रेडियस में चल रहे हैं, कोई उसमें ज्योग्राफिकल जो है आपका डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सभी एक ही जैसे, ठीक। कंटिन्यूअस क्लाइन फिर दो भाग में बटा है, एक स्मूथ और दूसरा स्टेप्ड। स्मूथ जिसमें कि कोई अब्रप्ट चेंज ना हो, सक्सेशनल चेंज हो, सक्सेशनल चेंज अब्रप्ट चेंज में नहीं आता है। अब्रप्ट मतलब कि अचानक से हो गया कोई बदलाव, अब्रप्ट चेंजेस ना हो, और स्टेप में अब्रप्ट चेंज हो, वो अब्रप्ट चेंज के कारण होता है। इस कंटिन्यूअस स्ट्रिप क्लाइम दो भागों में बटा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एंड ऑब्लिक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्लाइम मतलब कि नो इंट्रा पॉपुलेशन वेरिएशन ग्रेडियंट इन कैरेक्टर, कोई इंट्रा पॉपुलेशन वेरिएशन नहीं है, पर ऑब्लिक में ईच पॉपुलेशन आल्सो डिमोन्स्ट्रेटेड एज क्लाइन इन द कैरेक्टरिस्टिक। हेक्सेल ने स्टेप्ड रैंप की बात की और स्टेप्ड रैंप से इनका वर्गीकरण किया। अभी मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूँ, अब ये समझिए, बहुत आसान। कोई दो स्पेसीज है यहाँ पे, तीन स्पेसीज, चार स्पेसीज, इनका सब कुछ एक ही जैसा है, होमोजीनियस कंडीशन है, कोई वेरिएबिलिटी नहीं। स्टेप्ड क्लाइन में क्या है, स्टेप्ड क्लाइन में क्या कहानी है, हॉरिजॉन्टल में देखिए आप एकदम आराम से ग्रोथ हो रही है, आराम से चेंजेस आ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई अब्रप्ट चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए आप अब्रप्ट चेंज आपको देखने को मिल रहा है हर मोड़ पे,
हर मोड़ पे आपको अब्रप्ट चेंज देखने को मिल रहा है। डिसकंटिन्यूअस में देखिए, एक तो आपका कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस स्ट्रिक्ट। डिसकंटिन्यूअस में देखिए, डिसकंटिन्यूअस क्लाइंट्स आर द पॉपुलेशन स्पेसीज आर एलोपैथिक, मींस देयर इज अ वेरी लिटिल और नो जीन फ्लो अमंग्स द पॉपुलेशन। इनमें कोई जीन फ्लो नहीं है, माने कोई बहाव नहीं है, इसमें है जीन फ्लो, इसमें है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टेप, यहाँ एक स्पीसीज होगा, एक स्पीसीज इस नोड पे होगा, एक स्पीसीज इस नोड पे होगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज़ है। अब स्पीसीज का इंटरेक्शन जो है वो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक स्पीसीज पाया जाएगा, एक स्पीसीज यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, वो यहाँ भी एग्जिस्ट होगा, यहाँ भी पाया जाएगा। हर मोड़ पर इसमें भी स्पीसीज मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे, ठीक है। पर ये जो लीनियर कंडीशन है इसमें सब होमोजीनियस होगा, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा स्पीसीज चेंज होंगे, डिपेंडेंसी चेंज होगी। क्लाइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ इकोसिस्टम एज वेल एज सेपरेशन ऑफ स्टेजेस इन सक्सेशन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डिक्लाइन, इंट्रा ग्रुप वेरिएशन, ऑब्लिक क्लाइन, देयर इज सम इंट्रा ग्रुप जनरेशन, ग्रेडियंट्स, बट लेस देन द ग्रेडियंट्स कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द पॉपुलेशन। देखिए इसमें देख रहे हैं, ये ट्राइंगल बना रहा है, सॉरी ये देखिए बहुत माइनर डिफरेंस है इसमें और इसमें, बहुत माइनर। ये देखिए ये एक सिंपल रोपवे टाइप का है, पर ये देखिए सीढ़ी की तरह है, लैडर, इसीलिए हेक्सल ने इसको यहाँ पे एक टर्म दिया था, स्टेप्ड रैंप। ऑब्लिक को जो है इन्होंने बताया, स्टेप्ड रैंप को देखकर इनके मन में विचार आया कि हर, आप ऐसे समझिए ट्रॉपिक लेवल आपने समझा इकोसिस्टम में, फूड प्रोडक्टिविटी में ट्रॉपिक लेवल समझाया, पिरामिड में ट्रॉपिक लेवल बताया, सीढ़ी समझ लीजिए, आपके घर में सीढ़ी है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि बच्चों के खिलौने चुराइए, सबसे ऊपर सीढ़ी पे हाथी रख दीजिए, फिर नीचे चींटी रख दीजिए, खरगोश रख दीजिए, हर लैडर पे कुछ ना कुछ रखते जाइए, ठीक। अब इसकी कल्पना कीजिए आप कि आपकी सीढ़ियाँ शार्प मोड़ पे हैं कि थोड़ा सा फैली हुई हैं, रोप टाइप में, माने कि उनका स्लोप जो है वो थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल है कि स्ट्रिप्ड है, उसी हिसाब से स्पेसीज का एग्जिस्टेंस इस क्लाइम के अंतर्गत इवोल्यूशनरी चेंज में और डिपेंडेंसी में देखने को मिलता है। क्योंकि क्लाइम जो है बेसिकली ये पॉपुलेशन को सेग्रीगेट और डिफरेंशिएट करके आगे चलता है। कई सारे स्पेसीज का होता है, देखिए आप अभी अभी क्लाइन ही है, ये और ये दोनों एक ही भाई हैं, ये स्पेसीज और ये दोनों एक ही हैं। ये ध्रुव पे पाया जाता है, ये डिसीडियस और सावाना और अफ्रीकन डिजर्ट्स में पाया जाता है, इधर क्या नाम है आपका, इंडिया में भी एग्जिस्टेंस इसका, स्पेसीज सेम है। कुत्ते की स्पेसीज देखिए, कुत्ता की स्पेसीज जो है, डॉग्स केम फ्रॉम भेड़िया, वुल्फ के ट्रेड से हैं, जैसे जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, तो ये वुल्फ के ट्रेड से हैं। और देखिए उनका ट्रेड एग्जिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स सब लगभग सेम है, पर वो अलग अलग पायदान पे हैं, उसी सीढ़ी पर, उसी लैडर पर, जिस लैडर की बात मैंने यहाँ पे की है। कुछ स्पीसीज होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर इलाका में ही उनका नेस्टिंग, ब्रीडिंग सब होता है, या इधर होगा, जैसे पेंगुइन हैं, पोलर बियर्स हैं, तो ये भी उस इलाके
उस इलाका इनके नाम से जाना जाता है। तो वह स्पीसीज इकोक्लाइन स्पीसीज कहलाते हैं। इकोफाइंस क्या है? इकोफाइंस मतलब इकैड, इकैड को इकोफाइन भी कहते हैं, ये जान लीजिएगा। इकैड इज आल्सो नोन एज इकोफाइन, इकैड, इकैड। अब इकैड क्या बला है इसको समझेंगे। कोई भी दो स्पीसीज, कोई भी दो स्पीसीज पॉपुलेशन सेम जेनेटिक मेकअप के बट डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो जाए इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो दो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहे, तो उसको हम कहते हैं इकैड। मतलब स्पीसीज एक ही है, स्पीसीज एक ही है, ठीक। इकोफाइन, इकोफाइन इसमें चलता है, देखिए आप इकोफाइन में, सॉरी इकोफाइन में इकोक्लाइन देखने को मिलेगा आपको। स्पीसीज सेम है जेनेटिकली, पर मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन के कारण, चूंकि वो एनवायरनमेंट अलग अलग में रहे इसलिए वो वेरिएट कर रहे हैं स्ट्रक्चरली फिनोटिपिकली, तो वो इकोफाइन में आएंगे। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें एक स्पीसीज ये लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये स्पीसीज, इसको बहुत लोग जानते होंगे, सड़क वड़क के किनारे भी उगा रहता है, अक्सर घास में या दीवालों पे भी उग जाता है। यह स्पीसीज एस्थमा प्लांट के नाम से जाना जाता है इंडिया में, यूफोर्बिया हिट्रक और यूफोर्बेसी फैमिली का है। यूफोर्बेसी फैमिली की एक बहुत बढ़िया खासियत है, मालूम है आप लोगों को, डू यू नो दैट दे आर मैक्सिमम कंटेन एलर्जिक स्पीसीज, जो एलर्जेंस काज करते हैं, एलर्जी वाले प्लांट उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उसको हम इकोफाइन की कैटेगरी में रहते हैं कि जिसका जेनेटिक मेकअप सेम है बट मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंट है। अब ये जो स्पीसीज है आपका एस्थमा प्लांट यूफोर्बिया, ये वेट सॉयल में भी रह सकता है और ड्राई कंडीशन में भी रह सकता है, डिजर्ट कंडीशन में भी रह सकता है, ये दोनों ही कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है, दोनों में ही पाया भी जाता है, दोनों में पाया जाता है। तो इस तरह के जितने स्पीसीज होंगे वो इकैड कहलाते हैं। इकैड में आप ह्यूमन भी आता है, ह्यूमन भी आता है, एक अफ्रीका में रहता है, दूसरा यूरोप में रहता है, दोनों के फीचर्स डिफरेंट है पर है होमो सेपियंस सेपियंस। ऐसा थोड़ी ना है कि अफ्रीका को कुछ और बोल दोगे, है कि इंडिया में पाया जाने वाला ह्यूमन होमो सेपियंस सेपियंस नहीं है। भाई डॉक्टर प्रकाश तिवारी भी तो होमो सेपियंस सेपियंस में आएंगे, नमुआ लिखने से क्या होता है, हैं तो ह्यूमन स्पीसीज। और डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे होमो सेपियंस सेपियंस में, भाई चेंज थोड़ी ना हो जा रहे हैं। जिपिंग भी आएंगे होमो सेपियंस सेपियंस में, इमरान खान साहब भी आएंगे होमो सेपियंस सेपियंस में, मोदी साहब भी होमो सेपियंस हैं सेपियन, तो चेंज थोड़ी ना हो जा रहा है। एंजेलिना मार्केल वो भी होमो सेपियंस सेपियंस, जेनेटिकली हमारा तो कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही जैसा है फेनोटिपिकली, और जो थोड़ा सा बदलाव आ रहा है वो क्या है, इन्वायरमेंट का बदलाव आ रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन। और क्लाइमेट कंडीशन जिन स्पीसीज को वेरिएट कर दे उनको इकैड कहते हैं, वो इकैड कैटेगरी में आते हैं, इकैड को ही इकोफाइंस कहते हैं। अब आप ये देख रहे हैं ये स्पीसीज, ये दो जनी एक दूसरे को देख रहे हैं, एक जनी इनको घूर रहे हैं। इस स्पीसीज का नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, और बताइए कि कौन सी स्पीसीज कौन है, तीन अलग अलग स्पीसीज हैं कि एक ही स्पीसीज है।
कि दो स्पीसीज सेम है, तीसरी डिफरेंट है, क्या कंडीशन है? तो इसका नाम इन तीनों का बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा टाइम लगेगा निच को बनाने में, तो मे बी कल या परसों में निच कंप्लीट होगा। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़िए, सारे आई बटन में आ जाएंगे, चेक कर लीजिएगा आप लोग जो मैं अभी बताया हूँ।